बुहाना के बड़बर गांव के खेल मैदान में नौरंगडांगी द्वारा कराई जा रही खेलकूद महाकुंभ प्रतियोगिता के तहत क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काली माता मंदिर के मुकेश भगत थे, जबकि अध्यक्षता युवा नेता नौरंगडांगी ने की। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच अतिथियों ने गेंद खेलकर किया। बड़बर खेल संयोजक राधेश्याम यादव ने बताया कि बुहाना व ढाका मांडी के बीच उद्घाटन मैच खेला गया, जिसमें बुहाना की टीम के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए ढाका मांडी को 4 विकेट से हराया। क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 44 टीमें भाग ले रही हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डांगी ने कहा है कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। हार व जीत खेल का ही हिस्सा है। जीत से खिलाड़ियों को अति उत्साहित तथा हार से निराश नहीं होना चाहिए। बता दें कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के लिए समाज सेवी नौरंगडांगी के द्वारा सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कबड्डी वॉलीबॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। खेलकूद महाकुंभ सूरजगढ़ के कबड्डी वॉलीबॉल संपूर्ण होने के बाद क्रिकेट का चल रहा है। इसका क्रिकेट का आयोजन जाखोद में हो चुका है। ये सेकंड ब्लॉक का है, बुहाना ब्लॉक का। आज यहाँ पे उद्घाटन हुआ है बड़बर गांव में। पहला मैच स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर टीमों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। गाँव वासियों में भी काफ़ी उत्साह है। गाँव वाले भी चाहते हैं कि बच्चे किस तरह खेलते हैं, कितना बढ़िया खेलते हैं। तो इससे क्या बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा। ये अगला राउंड सिंघाणा में किया जाएगा, जिसकी 12 तारीख से स्टार्ट होगा। वहाँ पे यहाँ फिर सभी फॉर्मेट्स के फाइनल हो जाएंगे। दो दो टीमें छांट ली जा चुकी होंगी। फाइनल मुकाबला बुहाना में करवाया जाएगा, जिसकी अभी तारीख निर्धारित नहीं की गई है।